लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा, हम आपको बताते हैं, आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा है। आदमी अब पढ़ भी नहीं सकता, अब नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है, 400 रुपया इस महंगाई में दे रहा है एक महीना में। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के 15 साल से कम उम्र के हर बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो या फिर वो सरकारी स्कूल के ही बच्चे क्यों ना हो, सबको फ्री में हम पढ़ाएंगे। सरकार 2025 में बन जाएगी, उसके बाद सरकार आपकी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार तो 400 रुपये की भीख देते हैं, हम 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 2,000 रुपये एज अ पेंशन देंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दरअसल जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर की ये जो पदयात्रा है वो समाप्त हो चुकी है और अब प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि वो बिहार की राजनीति में भी एंट्री लेंगे और साथ ही साथ अक्टूबर में वो अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव भी लड़ेगी, उन्होंने ये ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के तमाम जो नेता हैं वो टेंशन में आ चुके हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तमाम नेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ छोड़कर जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में आज प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 के बाद बिहार के सभी छात्र छात्रा जिनका उम्र 15 साल से कम है उनके पढ़ाई की खर्च सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े या फिर सरकारी स्कूल में ही क्यों ना पढ़े। और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं प्रशांत किशोर और कहते हैं कि नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहे हैं, हम भीख नहीं देंगे, हम पेंशन देंगे, वो भी 2,000 रुपये। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है, सुनवाते हैं। लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा, हम आपको बताते हैं, आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा है। तो जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार से मिलेगा, चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है उसका पैसा भी आपको सरकार से मिलेगा। और तीसरा संकल्प, गांव में चले तो बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट देखे, बूढ़ा आदमी अब पढ़ भी नहीं सकता, अब नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है, 400 रुपया इस महंगाई में दे रहा है एक महीना में। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाए। अब सब बात सुन लिए, अब आप बताइए अगली बार वोट आपको 4-5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है, जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए, जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए।